नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आफ्ताब है और आपका स्वागत है टेक बिगिनर डॉट इन में। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर अपडेट किया था डेटाबेस प्रिविलेजेस को। इसके बाद यहाँ पर हम सिक्योर करेंगे अपनी फाइल्स को। तो यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगरेशन डॉट पीएचपी पे हमें परमिशन देनी है 400, अटैचमेंट पे हमें देनी है 777, डाउनलोड्स पे 777 और टेम्पलेट सी पे हमें 777। तो चलिए आइए इसे परफॉर्म करके देखते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा फाइल मैनेजर में। यहाँ पर देखिए ये हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो अपलोड हुई है वो है public_html में। ये हमारी वेबसाइट है। तो यहाँ पर configuration.php, ये रही हमारी वेबसाइट। इस पर परमिशन जो है वो 644 है और हमें यहाँ पर चाहिए 400। तो यहाँ पर ये फाइल है, हमने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, चेंज परमिशन। यहाँ हम करेंगे 400, यही चाहिए था हमें, और चेंज पे हम यहाँ क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये चेंजेस हो गया हमारा। दूसरा हमारा जो फोल्डर होगा वो अटैचमेंट का होगा, इसमें हमें 777 देनी है। तो यहाँ पर अटैचमेंट हम देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा अटैचमेंट। इस पर देखिए 755 है, तो इस पर हम देंगे परमिशन चेंज करेंगे यहाँ पर 777, चेंज पे क्लिक कर देंगे, ये हो चुका है। इसके बाद डाउनलोड्स पे हमें 777 की परमिशन देनी है। तो ये डाउनलोड्स है, इस पर हमें यहाँ पर चेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी 777 की परमिशन हमने दे दी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स यहाँ पर हमें इस पर परमिशन देनी है 777। तो यहाँ पर देखिए आप टेम्पलेट्स कहाँ पर है, ये है टेम्पलेट सी। तो यहाँ पर हमें टेम्पलेट सी पे देना है, टेम्पलेट सी 755 है, इस पर हम परमिशन चेंज करेंगे 777 की और चेंज परमिशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम पोस्ट इंस्टॉलेशन सजेस्टेड स्टेप्स को पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।